नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर तेलंगाना स्टेट में लोकेटेड पेडापाली रेलवे स्टेशन को लेकर, जहां पर इंडियन रेलवेज के द्वारा पेडापाली रेलवे स्टेशन पर फ्रेट मूवमेंट को और भी इन्हांस करने के लिए एक न्यू गुड्स लोडिंग प्लेटफॉर्म फुली कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है एंड ऑल्सो इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। बेसिकली पेडापाली रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली चेन्नई मेन रेलवे लाइन पर आता है, जिसका यहाँ पर फ्रेट मूवमेंट बहुत ही हाई देखने को मिलती है एंड यहाँ पर डेली लार्ज नंबर्स में फ्रेट ट्रेन ऑपरेट होती हैं, जिसका यहाँ पर काफी हैवी कंजेशन देखने को मिलता है एंड इसी हैवी कंजेशन को ईज करने के लिए हमारी इंडियन रेलवेज ने पेडापाली रेलवे स्टेशन पर एक न्यू गुड्स लोडिंग प्लेटफॉर्म इनॉग्रेट कर दिया है, जो कि पिछले कुछ समय से अंडर कंस्ट्रक्शन था। दोस्तों करंटली इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है कि कितने एरिया में इसको बनाया गया है या फिर इस पर कितनी कॉस्ट आई है, लेकिन इससे रिलेटेड इंडियन रेलवेज के द्वारा उनके ट्विटर हैंडल पर कुछ इमेजेस शेयर की गई थी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इस न्यू गुड्स प्लेटफॉर्म के इनॉग्रेट करने के साथ साथ हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा यहाँ पर जो लेबर्स हैं उनके रेस्ट के लिए एक रेस्ट रूम भी कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, जो कि वहाँ के लेबर्स को रेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों इस न्यू गुड्स प्लेटफॉर्म के बन जाने के बाद पेडापाली रेलवे स्टेशन पर फ्रेट मूवमेंट और भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट में होने वाली एक न्यू इन्वेस्टमेंट को लेकर, जहां पर इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ग्रीन पर इंडस्ट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो उत्तर प्रदेश स्टेट में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस पर्पज के लिए ये कंपनी उत्तर प्रदेश स्टेट में 75 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बेसिकली ये कंपनी प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, डेकोरेटिव लैमिनेट्स, लैमिनेट फ्लोरिंग, फाइबर बोर्ड्स, इस तरह के इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड नाउ कंपनी का कहना है कि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड पिछले कुछ समय से बढ़ती हुई देखने को मिली है, जिसके चलते उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यूपी स्टेट में 75 करोड़ रुपीज़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एंड कंपनी के इस प्लान के अकॉर्डिंग वो हरदोई के संदीला में जो संदीला इंडस्ट्रियल पार्क है वहाँ पर एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे एंड इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कंपनी के द्वारा न्यूली फॉर्म सब्सिडियरी इंप्लीमेंट करेगी। दोस्तों करंटली इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 24.9 मिलियन स्क्वायर मीटर पर एनम की है एंड इस न्यू फैसिलिटी के ऐड होने के बाद इस न्यू फैसिलिटी की कैपेसिटी 13.5 मिलियन स्क्वायर मीटर पर एनम तक होगी, जिसके बाद इनकी एनुअल कैपेसिटी 38.4 मिलियन स्क्वायर मीटर तक पहुंच जाएगी एंड इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंपनी के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 4 में ऑपरेशनलाइज कर दिया जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है चाइना को मिले एक न्यू शॉक को लेकर, जहां पर चाइना को 5G इंडिया से लात मार के बाहर निकालने के बाद हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेस को इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं और अभी मैं पिछली वीडियोस में बताता चला आ रहा हूं कि हमारी भारत सरकार नेशनल सिक्योरिटी को लेते हुए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिसके चलते डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं एंड इसी के अकॉर्डिंग सिमिलर बेसिस पर लास्ट ईयर नवंबर से ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने चाइना से इंपोर्ट किए जाने वाले इनेबल डिवाइसेस के इंपोर्ट पर रोक लगाकर रखी है, जिसमें मेजर चाइनीज कंपनीज जैसे कि Xiaomi, Oppo, Vivo इस तरह की कंपनीज का नाम भी शामिल है। दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये स्टेप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को पुश करने के लिए रखा है, क्योंकि इससे पहले चाइना के अलावा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने US के भी कुछ कंपनीज जैसे कि Dell एंड HP इनके भी वाईफाई इनेबल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर रोक लगा रखी है। एंड बात करें चाइना की, तो चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब है एंड इस तरह की थिंग्स जैसे कि स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड इससे रिलेटेड चाइना के इंपोर्ट में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं एंड इंडिया में लार्ज नंबर में इस तरह के प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट भी किया जाता है एंड इंडिया को इस थिंग्स में नंबर वन बनाने के लिए हमारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड भारत सरकार के द्वारा एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को पुश करने के लिए इस तरह की रोक लगाई गई है, जिसके अकॉर्डिंग लास्ट नवंबर से अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने मोर देन 80 एप्लीकेशंस को जो वाईफाई इनेबल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट से रिलेटेड हैं उनको होल्ड पर रखा है एंड इसमें चाइना, US एंड कोरिया इन देशों की कंपनीज के प्रपोजल्स को होल्ड पर रखा गया है एंड अब ये हमारी इंडियन जो टेक इंडस्ट्रीज की टाइप कंपनीज हैं उनके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने एंड उनके जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है उनकी रेंज को और इंक्रीज करने के लिए वेस्ट बंगाल के प्रादीप में जो उनकी रिफाइनरी है वहां पर एक डेडिकेटेड पैरासाइलिन एंड प्योरीफाइड टेरिफेथिलिक एसिड कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एंड इस पर्पज के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फ्रांस बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी टेक्निप एनर्जीज को इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया है। दोस्तों जो न्यू कॉम्प्लेक्स होगा इसको लार्ज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग यानी कि ईपीसीसी मॉडल पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 250 से 500 मिलियन यूरोस के बीच में एस्टिमेट की गई है। बेसिकली प्रादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पेट्रोकेमिकल्स के अलावा कुछ पॉलिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड इसको अब इंक्रीज भी करना चाहती है, जिसमें PX एंड PTA जैसे जो मेजर रॉ मटेरियल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी एंड लेटर इनको जो पैकेजिंग एप्लीकेशन होती है उसमें यूज किया जाएगा। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो न्यू PTA प्लांट होगा उसकी कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन पर एनम की होगी एंड इस न्यू PTA प्लांट के सेटअप जाने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो प्रादीप रिफाइनरी है वहां पर इनकी जो पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको एक नया बूस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों आने वाले समय में हमें जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता देखने को मिल सकता है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट की टोटल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लेकर, जहां पर इसको लेकर एक डाटा रिलीज किया गया है। एंड इस डाटा के अकॉर्डिंग जो आंध्र प्रदेश की टोटल रेन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है वो 8723 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि इंडियन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड की एनर्जी डिमांड बहुत ही तेजी से ग्रो होती जा रही है। एंड हमारे देश की जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने लेवल पर अपने अपने स्टेट्स में रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। एंड इसी तरह आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट भी उनकी स्टेट में रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से रिलेटेड काफी स्पेशल फोकस दे रही है। एंड इसी के चलते रिसेंटली उन्होंने एक स्पेशल सोलर पॉलिसी को भी अनाउंस किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो आंध्र प्रदेश में बैरन एंड वैकेंट लैंड होगी जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में आती होगी उसको लार पर्पस के लिए रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए यूज किया जाएगा। एंड उसी पॉलिसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश स्टेट में आज बहुत बड़े लेवल पर सोलर पार्क्स या फिर रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स पर काम किया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंध्र प्रदेश स्टेट हमारे देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी जनरेटर है, जिसकी अब टोटल रेन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी 8723 मेगावाट तक पहुंच गई है। एंड इस टोटल 8723 मेगावाट की कैपेसिटी में से 4084 मेगावाट विंड एनर्जी का शेयर है, वहीं 4047 मेगावाट सोलर एनर्जी का शेयर है, 443 मेगावाट बायोमास बायोगैस एंड इससे रिलेटेड अदर थिंग्स का शेयर है, एंड वहीं 47 मेगावाट सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी का शेयर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MSEDCL की तरफ से, जहां पर स्टेट में रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से 500 मेगावाट के एडिशनल विंड सोलर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। बेसिकली अभी एक दो दिन पहले भी मैंने आपको इससे रिलेटेड न्यूज के बारे में बताया था, जिसमें MSEDCL की तरफ से 500 मेगावाट के सोलर प्लांट्स के लिए बिड्स इनवाइट की गई थी। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अपडेट वही अपडेट नहीं है, ये उसी से रिलेटेड एक सिमिलर अपडेट है जो अभी रिसेंटली अनाउंस की गई है। बेसिकली जो सोलर एंड विंड हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं वो काफी इनकंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये मोस्टली क्लाइमेट एंड वेदर पर डिपेंडेंट होते हैं। एंड इसी को ओवरकम करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 2018 में एक हाइब्रिड पॉलिसी अनाउंस की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग इन विंड एंड हाइब्रिड प्लांट्स में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाने वाला था। एंड उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस 500 मेगावाट के एडिशनल विंड एंड सोलर हाइब्रिड प्लांट सेटअप करने के लिए मैंडेटरी किया गया था, जिसके चलते महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये न्यू टेंडर फ्लोट किया गया है। दोस्तों इस टेंडर के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जिन भी लोएस्ट बिडर को सिलेक्ट किया जाएगा उनके साथ 25 ईयर्स का पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करेगी। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो न्यू सोलर प्लांट सेटअप किया जाएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत ही सेटअप किया जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलुरु मेट्रो के फेज 2 को लेकर, जहां पर बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की तरफ से फाइनली बेंगलुरु मेट्रो के फेज 2 को अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली अभी एक डेढ़ महीने पहले मैंने ये न्यूज कवर की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेंगलुरु मेट्रो के फेज 2 को अप्रूवल दे दी गई है एंड इसके लिए फंड्स भी सैंक्शन कर दिए गए हैं। एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से बेंगलुरु मेट्रो के फेज 2 को आज से 2 साल पहले अप्रूवल दे दी गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब जाकर इसे अप्रूवल दी गई है। एंड नाउ बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की तरफ से भी इसको अप्रूवल दे दी गई है। बेसिकली बेंगलुरु मेट्रो फेज 2 की टोटल लेंथ 58.19 किलोमीटर की होगी, जिसमें फेज 2A एंड फेज 2B इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो फेज 2A होगा वो सेंट्रल सिल्क रोड जंक्शन से केआरपुरम तक होगा एंड वही फेज 2B केआरपुरम से कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक होगा। दोस्तों एक बार फेज 2 ऑपरेशनलाइज हो जाने के बाद जो बेंगलुरु मेट्रो का टोटल ऑपरेशनल नेटवर्क होगा वो 172 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। एंड इस फेज 2 को 14,788.1 करोड़ की लागत से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। एंड नाउ बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की तरफ से अप्रूवल मिलने के बाद इसका जो लैंड एक्विजिशन या फिर टेंडर लेटर प्रोसेस है अब और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर होगा एंड जल्दी इस पर हमें काम भी स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पर उनकी तरफ से नेशनल हाईवे 66 की 6 लेनिंग के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। बेसिकली नेशनल हाईवे 66 को केरला के थुरावूर से परावूर तक 6 लेन्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें नेशनल हाईवे 66 में 317.6 किलोमीटर से 417 किलोमीटर तक का सेक्शन होगा जिसको 6 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड ये प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर का होगा, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC बेसिस पर डेवलप किया जाएगा। एंड 1248.08 करोड़ रुपए स्पेंड करके अगले 30 महीने में इसको 6 लेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।